डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के विकास परियोजना के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने सरकारी परफान जारी किया था, जहां 13 अक्टूबर 2023 तक 1,166 करोड़ के लगभग की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन 2021 से अब तक राज्य में वर्तमान सरकार द्वारा कई खर्चों में वृद्धि की गई है, जिससे बढ़े हुए खर्चों का भुगतान करना आवश्यक हो गया है। लेकिन इसे न देकर उक्त परियोजना की स्वीकृत धनराशि में कटौती की जा रही है, जिसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कृति समिति द्वारा आंदोलन किया गया, जहां विधायक नितिन राउत ने भी शिरकत की। गौरतलब है कि शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 शाम 4 बजे कामठी रोड इंदौर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल बचाव कृति समिति को राज्य में शिंदे फडणवीस पवार सरकार द्वारा लिए गए सरकारी फरमान की होली जलाई गई। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री एवं उत्तर नागपुर विधायक डॉक्टर नितिन राउत भी मौके पर उपस्थित थे, जहाँ इस आंदोलन को समर्थन देते हुए नितिन राउत ने इस सरकार को भ्रष्ट कहा, जहाँ बड़ी मात्रा में सरकार विरोधी नारे भी दिए गए। केवळ अंदाजाच्या आधारावरती जे मुंबईचे आर्किटेक्ट संदीप शिर्केजी यांनी या वास्तूचा विकास आराखडा तयार केला, ज्याला आपण आता या एलईडी वरती अनेकदा बघितलं असेल, त्या आराखड्यानुसार त्याची किंमत त्या ठिकाणी ठरवण्यात आली, त्याचा खर्च ठरवण्यात आला होता।